गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि गांधी जी ने किस तरह अपनी आत्मकथा में अपने जीवन का एक अंश बताया। जैसे मैंने बताया था कि उनकी जो किताब थी सत्य के मेरे प्रयोग में, तो उन्होंने चोरी और प्रायश्चित नामक जो अंश है उसके बारे में अपनी आत्मकथा में अपना पूरा जीवन, थोड़े एक जीवन का एक अंश उन्होंने विश्लेषण किया है। तो अभी पिछले क्लास में हमने एक आत्मकथा यानी एक पाठ खत्म कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो पाठ है अथवा दूसरा जो लेसन है उसका नाम है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। ठीक है, इसके जो लेखक हैं माधवराव सप्रे जी हैं। ठीक है, माधवराव सप्रे जी जो हैं वो एक बहुत विख्यात लेखक हैं, पत्रकार थे। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत देश के पहले पत्रकार होंगे जिनकी गिरफ्तारी अंग्रेज सरकार ने की थी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आगे आपको और एक बार बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पाठ का विश्लेषण करने से पहले माधवराव सप्रे जी के बारे में हम लोग थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगे। तो माधवराव सप्रे जी जो है उनका यहाँ पे अगर आप किताब खोल के देखोगे तो 2 से 2.5 पेज तक उन्होंने परिचय बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं आपके परीक्षा के उद्देश्य के अनुसार मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पूरा पढ़ना बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत समय का जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि समय बहुत कम है और आपको आपके अध्ययन के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, तो समय ऐसा ही बीता चला जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो माधवराव सप्रे जी का जो जन्म है वो 1871 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए उनका जन्म जो है वो 1871 में हुआ था। जन्म स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में पथरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, मैं और एक बार आपको बताती हूँ, उनका जन्म स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के पथरिया गांव जो है वहां पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो अगर पेज नंबर 19 में आप देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ में, वहां पे उन्होंने उनका जन्म स्थान और निधन जो है वो भी दिया है। ठीक है, तो उनका निधन जो है वो 23 अप्रैल 1926 में उनका निधन हो चुका था। ठीक है, आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया प्रश्न पत्रिका में 10 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि माधवराव सप्रे इनका जन्म स्थान क्या है। ठीक है, एक तो अगर आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया है तो आप मध्य प्रदेश को टिक मार्क कीजिए अथवा मध्य प्रदेश उत्तर लिखिए। अगर पथरिया गांव अगर है ऑप्शन में तो पथरिया गांव पर आप क्या करना है, आपको वो जो उत्तर है उसको टिक मार्क करना है अथवा लिखना है। ठीक है, तो इसमें सेकंड पैराग्राफ में बस यही महत्वपूर्ण है, आगे उन्होंने अपने जीवन काल में कौन से किताब लिखे, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की, वो सब दिया है। वो आपके पास किताब तो होगा, अगर नहीं है तो जाके लेके आइए। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि नवसाहित्य बुक स्टॉल में ये अवेलेबल है किताब, आप लेके आइए और फिर बाद में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण बातें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, आगे यहाँ पे एक बहुत थर्ड पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण बातें ये जो बातें हैं वो ये है कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी गद्य, यहाँ पे ये जो पाठ है ये
माधवराव सप्रे द्वारा लिखा गया पाठ है जो निबंध की तौर पे लिखा गया है। ठीक है, पहले क्लास में आपको मैंने बताया कि हिंदी की कौन सी गद्य के विविध विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, ठीक है, एकांकी है, नाटक है। तो जैसा कवि का अथवा लेखक का मन करता है वो उस विधा को लेकर अपना लेखन कार्य करता है। ठीक है, अगर उसके लेखन में बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे दृश्य हैं, तो हम उसको उपन्यास कहते हैं। अगर सिर्फ एक ही दृश्य में कहानी खत्म होती है और बहुत कम पात्र है उसमें, तो हम उसको कहानी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहानी और उपन्यास जो है वो गद्य के विविध विधाएं हैं। ठीक है, उसी में से एक विधा क्या है, निबंध है। ठीक है, निबंध क्या होता है, यहाँ पे पात्र नहीं होते। ठीक है, ये कहानी नहीं होती, ये अपने जो विचार आते हैं, एक कौन से भी विषय पर जो विचार आते हैं वो लेखक क्या करता है, कागज पर उतारता है अपने विचारों को। ठीक है, उसमें ना पात्र होती है ना कहानी होती है, बस एक विषय लेकर वो विस्तृत रूप से उस विषय पर लेखन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे माधवराव सप्रे जी जो है उन्होंने भी बहुत सारी कहानी लिखी है, लेकिन आपके अध्ययन के लिए यहाँ पे ये निबंध है। ठीक है, और यहाँ पे निबंध का नाम है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। ठीक है, याद रखिए, आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, ये जो पाठ है ये क्या है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है। तो ठीक है, तो इसका उत्तर होता है निबंध। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म स्थान क्या है और इनका निधन कब हुआ, ये मैंने आपको तीन पॉइंट्स महत्वपूर्ण बता दिए हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात यह है, तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने में सप्रे जी द्वारा संपादित पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बता दूं कि पहले के जमाने में क्या होता था, जिस काल को हम आदिकाल बोलते हैं, उस जमाने में लेखक जो रहते हैं, कवि जो रहते हैं, सिर्फ उन्होंने पद्य में अपनी रचनाएं की, यानी अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी मानसिकता को उन्होंने क्या किया है, एक पद्य के रूप में अपने विचारों को उन्होंने आपके सामने प्रकट किया। तो ये जो गद्य विधा जो है वो आधुनिक काल की विधा है, यानी जैसे जैसे लिटरेचर में, यानी हिंदी साहित्य में ग्रोथ होती गई, प्रगति होता गया, वैसे वैसे ही पद्य बनाने के लिए लेखक क्या करने लगे, पद्य बनाते थे लेकिन कम बनाने लगे, और उसका ग्रोथ होते होते, उसकी प्रगति होते होते आगे क्या होगा, हो गया कि गद्य में लेखन करना शुरू हो गया। ठीक है, तो गद्य में लिखना, जैसे हम लोग उसको प्रोज भी बोलते हैं, तो गद्य में लिखना आधुनिक काल में ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये जो गद्य की विधा है वो आधुनिक काल की एक विधा है। ठीक है, तो यहाँ पे गद्य को सुव्यवस्थित करने में माधवराव सप्रे जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे उन्होंने निभाई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने गद्य को सुव्यवस्थित किया है, इसका श्रेय जो है सप्रे जी को जाता है, क्योंकि अपने पत्रों के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माधवराव सप्रे जी जो है वो लेखक थे, साथ ही साथ वो एक पत्रकार भी थे, तो अपने पत्रों में अपने जो विचार होते थे गद्य को लेकर, तो वो अपने पत्रों में, जैसे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख के वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे। ठीक है, तो उसी का ही अर्थ है हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित करने के लिए सप्रे जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे उन्होंने निभाई। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने कौन से पत्र
पत्र में वो कार्य करते थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने खुद की एक न्यूज़पेपर, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको, हम लोग पत्र का पत्र बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे दिया गया है कि सप्रे जी ने पत्रकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र से की, ठीक है। तो उनका जो समाचार पत्र आता था, उस समाचार पत्र में उनका एक आर्टिकल आता था छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है। तो उनका उनके जो भी विचार होते थे, उनकी उनके जो भी थॉट्स होते थे, वो क्या करते थे इस पत्र में, छत्तीसगढ़ नामक जो एक मासिक पत्र था, वो एक मंथली आता था, ठीक है। ये कभी भी वो हर रोज नहीं आता है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि मासिक पत्र था, मंथली एक बार आता था, ठीक है, मास में एक बार, मासिक यानी मंथली, ठीक है। तो एक बार जो छत्तीसगढ़ मित्र, उन्होंने जो पत्र छत्तीसगढ़ नामक पत्र में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था, एक लेख को लिखकर, यानी छत्तीसगढ़ मित्र इस लेख का वो शीर्षक है, यानी टॉप जिसे हम लोग बोलते हैं ना, टॉपिक का नाम है वो, शीर्षक है, ठीक है। तो याद रखिए कि उन्होंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र से की थी, ठीक है। इस पत्र ने निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, इस मंत्र को अपनाकर हिंदी का भरपूर श्रृंगार किया था, ठीक है। आपको पता है उस समय में भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। आपको पता है हमारे भारत देश में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिनको समझ में आती है हिंदी, जिनको बोलने के लिए आता है, तो वो भाषा कौन सी है, तो वो हिंदी है। तो हिंदी को ही उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा को ही महत्वपूर्ण जगह देकर हिंदी भाषा में ही उन्होंने क्या किया, पत्र का लेखन करने की शुरुआत की, ठीक है। सबसे पहले हिंदी, ये जो भाषा है ये हिंदी जो है वो आधुनिक काल में इस भाषा को हिंदी नाम दिया गया। पहले हिंदी भाषा को ही हिंदवी कहा जाता था अथवा खड़ी बोली कहा जाता था, ठीक है। तो पहले के जमाने में, यानी आधुनिक काल में ही, जैसे 1900 का दशक जब से स्टार्ट हो गया, 1900 का दशक जब से शुरुआत हो गई, तब से क्या हो गया, खड़ी बोली का ही प्रयोग करते थे। अभी उस खड़ी बोली को की भाषा जो है उसको ही हम लोग अभी क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा को ही अपना मुख्य भाषा बनाकर उन्होंने उसके ऊपर पत्र लिखे, जिसे उसका शीर्षक मैंने आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ मित्र में जो मासिक पत्र आता था उसमें उन्होंने क्या किया, हिंदी गद्य के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया अथवा लेखन किया, ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में छत्तीसगढ़ मित्र बंद होने के बाद उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, उन्होंने केसरी नामक जो पत्रिका थी उस पर उन्होंने लेखन करना शुरू कर दिया। आपको पता है केसरी जो थी था वो तिलक जी का समाचार पत्र था, उनकी यानी वो जो उन्होंने ही केसरी नामक पत्रिका समाचार पत्र बनाया था, और उसमें आपको पता है कि तिलक जी ने स्वराज्य प्राप्त के लिए इस केसरी को बहुत महत्वपूर्ण औजार बनाते हुए उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपना लड़ाया। जैसे आप कह सकते हैं कि बिना किसी औजार के उन्होंने सिर्फ लेखन से अपने विचारों से उन्होंने क्या किया कि भारत में जो अंग्रेजी शासन चल रहा था उनका विरोध किया। तो उसी केसरी जो पत्रिका में इन्होंने क्या किया, माधवराव सप्रे जी ने भी अपना योगदान दिया, उन्होंने भी उसमें लेखन किया। उस लेखन के लिए उन्होंने अलग सा शीर्षक दिया, उसका नाम था हिंदी केसरी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी पहले मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो शीर्षक था उसमें मासिक पत्र लेखन करना उन्होंने शुरुआत किया। जब छत्तीसगढ़ मित्र बंद हुआ तो उन्होंने क्या किया, केसरी नामक पत्रिका में
अपना एक हिंदी गद्य हिंदी केसरी नामक अलग सा शीर्षक बनाकर उन्होंने क्या किया, लेखन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मित्र और फिर बाद में हिंदी केसरी, ये दो पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तिलक जी ने जो केसरी समाचार पत्र बनाया था उस पत्र में वो लोग अंग्रेजी शासन के विरोध में ही अपना लेखन करते थे, तो उसी तरह माधवराव सप्रे जी ने भी क्या किया, माफ कीजिएगा, उन्होंने क्या किया कि अपना एक हिंदी केसरी करके अलग सा शीर्षक बनाकर उसमें भी गद्य के बारे में तो उल्लेख किया है, साथ ही साथ अंग्रेजी शासन के विरोध में भी उन्होंने पत्र लिखे। तो उसका शीर्षक उन्होंने कुछ इस तरह से दिया था, सरकार की दमन नीति और भारत माता के पुतों का कर्तव्य। ठीक है, तो ये जो शीर्षक था उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया, सरकार के विरोध में लेख लिखा और उसकी वजह से क्या किया, उनको गिरफ्तार वो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे उन्होंने बात बताई है, उनकी गिरफ्तारी हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता के इतिहास की पहली गिरफ्तारी थी। ठीक है, यानी ये सबसे पहले किसी पत्रकार को अथवा लेखक को गिरफ्तार किया था सरकार के विरोध में बात करने के लिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अभी यहाँ पे माधवराव सप्रे जी के परिचय में बस यही तक आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अगर आपको लगता है तो फिर आप क्या कीजिए कि आप माधवराव सप्रे जी का परिचय पढ़िए, अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है तो आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, उन्होंने जो निबंध लिखा है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले आपको क्या करती हूँ, इसका थोड़ा सा आपको समरी बताती हूँ, यानी सारांश बताती हूँ कि इसमें क्या बात है, यानी निबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उठाई। ठीक है, जैसे शीर्षक से ही आपको पता चलता है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आता है कि यहाँ पे लेखक ने क्या किया है, व्यक्ति की योग्यता पर और उसके ऊपर निर्भर व्यवसाय के चुनाव के ऊपर उन्होंने निबंध लिखा है। ठीक है, ये निबंध आपको देने के लिए या उद्देश्य क्या है, यानी ये निबंध लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कभी कभार क्या होता है, जब फर्स्ट टू टेंथ तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद जब वो कॉलेज में आता है तो उसको प्रश्न पड़ता है टेंथ के बाद कि अभी हमें आगे किस राह पर चलनी है। ठीक है, हर एक छात्र को फर्स्ट टू टेंथ तक वही विषय रहते हैं, वही सिलेबस रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, हमको यही सिलेबस पढ़ना है, वो उनको दिमाग में रहते हैं और उसी को ही वो क्या करते हैं, अनुकरण करते जाते हैं और अध्ययन करते हैं, परीक्षा देते हैं। लेकिन उनके जीवन में जैसे हम लोग बोलते हैं कि टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब टेंथ के मार्क्स सामने आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टेंथ के मार्क्स यानी दसवीं कक्षा के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, हमें कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसका हम लोग चयन करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा बहुत होशियार है, अगर टेंथ में उस छात्र को बच्चे को अगर 90% से भी ज़्यादा अगर उसको मार्क्स मिले हैं तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या करूँ, साइंस साइड ले लूँ, अथवा उससे कम मार्क्स मिलता है अपनी योग्य, यानी उसमें कौन सा, जैसे हम लोग बोलते हैं उसके हुनर के अनुसार, उसके कौशल के अनुसार वो क्या करता है, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार वो क्या करता है, क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए वो चुनाव करता है। आपको जैसे पता है कि हमारे टेंथ के बाद तीन क्षेत्र होते हैं, कला, वाणिज्य और विज्ञान। जैसे कला को हम लोग आर्ट्स बोलते हैं, वाणिज्य को कॉमर्स बोलते हैं और विज्ञान तो आपको पता है साइंस। ठीक है, अगर बच्चे को विज्ञान में बहुत रुचि है, मैथ्स में बहुत रुचि है, तो
तो वो क्या करता है, अगर उसका कुछ एम है, अगर उसका कुछ लक्ष्य है डॉक्टर इंजीनियर बनना, तो वो क्या करता है, विज्ञान क्षेत्र का चुनाव करता है। वो किस आधार पर करता है कि मैं विज्ञान का ही क्षेत्र ले लूं, क्योंकि उसके योग्यता के अनुसार, उसकी क्या योग्यता, हर एक छात्र की योग्यता उसके मार्क्स के ऊपर हमको समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए अगर जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर बच्चा बहुत होशियार है, ठीक है, लेकिन वो आंसर शीट में अगर कुछ नहीं लिखता, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो जो छात्र है बहुत योग्य है। जो आपकी योग्यता है जब एक कागज पर हमारे सामने आती है, तभी हम समझ में हमको समझ में आता है कि उस छात्र की योग्यता क्या है। तो वैसे ही हर एक छात्र की योग्यता हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि उसके 10th के मार्क्स के अनुसार डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही आपको क्या है, आपकी योग्यता भी आपको अपने रुचि के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको पता चल जाता है कि हमें किस साइड में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी को लेकर यहाँ पे लेखक ने क्या किया है, पूरा निबंध लिखा है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्लियर नहीं होता, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कभी कभार हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि हमको बाबा 10 के बाद यही क्षेत्र लेना है, हमको इसी में रुचि है। आगे बढ़कर क्या होता है, प्रेशर के वजह से, समझ लीजिए एक व्यक्ति का अथवा एक छात्र का 10th का एग्जाम खत्म हो गया है, पेरेंट्स बोलते हैं तू बहुत होशियार है मैथ साइंस में, तू साइंस ले ले, विज्ञान ले ले, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। लेकिन छात्र को यही पता नहीं होता है कि उसको जीवन में बनना क्या है, क्योंकि वो अभी भी क्या बोलते हैं कि 10th की परीक्षा देकर बाहर निकला है, उसका कुछ लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, बस पिताजी जो बोलते हैं वो उसके ऊपर, उसी राह पर वो क्या करता है, चलता रहता है। लेकिन एक बार जब वो क्लासेस अटेंड करता है, फिर से फर्स्ट ईयर आता है, फिर बाद में पास भी हो जाता है, लेकिन समझ में आता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, एक क्षेत्र में मुझे रुचि ही नहीं है, तो तब क्या होता है, वो दूसरा क्षेत्र लेने की कोशिश करता है। तो ये जो बातें होती हैं कि बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, फिर बाद में जब समझ में आता है तब तक बहुत ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, पेरेंट्स को दोष देते हैं। तो ये नौबत न आए, इसकी वजह से यहाँ पे लेखक ने क्या किया है, इस योग्यता और व्यवसाय का चुनाव में आपको एक क्लियर कट आइडिया दिया है कि व्यक्ति को कौन से आधार पर क्या चुनना है और क्या करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका हम लोग ये उद्देश्य बता उद्देश्य यह है लिखने की, ये जो निबंध है वो यह है कि हर एक व्यक्ति को है, समाप्त कीजिए, हर एक व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, यही इस निबंध का उद्देश्य है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताती चाहूंगी कि कैसे कैसे उन्होंने क्या निबंध लिखा है, कैसे व्यक्ति को आगे बढ़ना है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, वो मैं एक एक वाक्य पढ़ती जाऊंगी और उसका अर्थ मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो थोड़ा देखिए। प्रत्येक मनुष्य के लिए किसी न किसी व्यवसाय, रोजगार, धंधे अथवा पेशे की आवश्यकता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे कमाना है, ठीक है। तो वो पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए, हमको एक व्यवसाय चाहिए, एक पेशा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे पैसा कमा सकता है, अगर हमारे पास कुछ काम हो, कुछ धंधा हो, कुछ व्यवसाय हो, तो उसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे यानी कमा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन यापन करने के लिए उसको व्यवसाय करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवसाय चुनने में ही मनुष्य जीवन का सफल होना अवलंबित है। देखिए,
जो व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करता है, वही व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार ही क्या है, व्यवसाय चुनना जो है वो अवलंबित है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनता है अथवा तो कुछ काम करता है। ठीक है, कुछ पेशा चुनता है, यहाँ पे वो बताया गया है। ऐसे बहुत ही थोड़े हजारों में एक मनुष्य होंगे जिन्हें जीवन निर्वाह के लिए कुछ उद्योग नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि हर एक व्यक्ति अपने माता पिता भाई बहन जो भी जो बड़े बुजुर्ग हों वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं। लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको जीवन व्यापन करने के लिए व्यवसाय करने की कुछ जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास बहुत सारे संपत्ति होती है। उनके बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो पहले से ही अपने बच्चों के लिए बहुत सारा संपत्ति जो है वो छोड़ के जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, बहुत कम लोगों को ऐसे अपने जीवन में एक अनुभव रहा होगा कि उनको कुछ व्यवसाय करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताया गया है, अर्थात जिनके पास आवश्यकता से बहुत ही अधिक संपत्ति होती है, परंतु ऐसे मनुष्यों को अपने अपने लिए कुछ ना कुछ कार्य चुनने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, अभी सोचिए कि उदाहरण तौर पर अगर मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा है और मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं घर में ऐसे ही बैठ सकती हूँ? नहीं। तो हर एक व्यक्ति को अगर पैसे होते भी हैं, बहुत संपत्ति होती भी है, तो भी उसको अपना जीवन बसर करने के लिए अथवा समय, और जैसे हम लोग बोलते हैं कि समय को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है, ऐसे ही हम लोग बैठ नहीं सकते। तो वही बताया गया है यहाँ पे। इसका कारण यह है कि ऐसे मनुष्य को उदर पूर्ति के लिए भले ही कष्ट न उठाना पड़े, परंतु अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा उसे आलस्य से बचाने के लिए इच्छा न होने पर भी कुछ काम करना ही पड़ता है। देखिए देखिए, यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, माना कि उसको पैसे यानी अपनी भूख मिटाने के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ है उसके पास। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुखमय चीजें, यहाँ पे बताएं सुखमय चीजें यानी हमको ऐशो आराम की जिंदगी अगर बहुत जीनी है, तो उसको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है, नहीं तो वो आलसी बनकर बैठा रह जाएगा, तो जीवन ऐसे व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने दिन तक आप घर में बैठोगे? अभी देखिए, ये कोरोना की वजह से आपको, मुझे ऐसे लगता है, मैं ऐसे मानती हूँ कि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि अभी छुट्टी है, घर में हम लोग बैठ सकते हैं, मजा कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। लेकिन अभी इतनी छुट्टी हो गई है कि अभी इस छुट्टियों से क्या हो गया है, छात्र व्यक्ति ऊब चुके हैं। उनको अभी लग रहा है कि कब मैं बाहर निकलूँ, कब मैं कुछ कार्य करूँ, कब मैं पढ़ूँ। अभी मेरा ही उदाहरण लीजिए, स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए और डिले होगा, हम लोग जल्दी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन घर में बैठ बैठ कर इतना हम लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं कि अब लगता है कुछ कार्य करें। जीवन आलसी बन चुका है, घर में टीवी देखकर खाना खाके कितना खाते, वही रोज खाना खाना, टीवी देखना, काम करना, सोना, वही वही जिंदगी नहीं है। जीवन अगर कुछ, जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ अगर कार्य करना है जीवन में, ऐसा कुछ कार्य करना है जो सब लोग याद रखे, ऐसा कुछ कार्य करके मरना है, नहीं तो हम जिए मर गए क्या, किसी को क्या पता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहिए, नहीं तो आलस भरी जिंदगी, इसको जिंदगी नहीं कहा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ काम करना ही पड़ता है, तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन काम करने के लिए ही बनाया गया है, और धनवान तथा धनहीन कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता। ठीक है,
हर एक व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे वो धनी हो या चाहे वो गरीब हो, ठीक है, धनहीन हो, जैसे हम लोग बोलते हैं राजा से लेकर रंग तक हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए राजा का ही मैंने यहाँ पे उद्गार यानी मैंने शब्द का प्रयोग किया, तो देखिए राजा के बहुत पास बहुत सारे नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, अपना ही बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने राज्य को संभालना है, वो भी तो कार्य है। तो किस तरह से वो कार्य करता है, यानी अपनी बुद्धि लड़ाकर अपना राज्य संभालने के लिए अथवा राज्य विस्तार करने के लिए कुछ ना कुछ वो कार्य करता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि धनवान से लेकर धनहीन तक इस जीवन में अगर उसने जन्म लिया है तो उसको कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। यद्यपि इस बात की सत्यता निर्विवाद सिद्ध है कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ ना कुछ व्यवसाय का कार्य करना ही पड़ेगा, तथापि बहुत से युवकों को इस बात से डर और घृणा होती है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ कार्य करने के लिए है बेजार देखना करना यानी तिरस्कार करना, उनका मन नहीं लगता कुछ कार्य करने में, ठीक है, इसलिए वहां पे घृणा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। वे अपने माता पिता का पिंड नहीं छोड़ना चाहते और रोटी के प्रश्न को स्वयं हल करना बेइज्जती समझते हैं। देखिए यहाँ पे वह अपने माता पिता का पिंड नहीं छोड़ना चाहते, यानी हम लोग बोलते हैं ना ये बच्चा जो है वो अपने माँ का पल्लू ही नहीं छोड़ रहा है, यानी उसको क्या है खुद कमाना कमाना उसको उसके जीवन में उद्देश्य ही नहीं है, वो कुछ कमाना ही नहीं चाहता, कुछ कार्य करना ही नहीं चाहता, बस अपने माँ बाप जो कमाते हैं उसी से उनके ही पैसे लेकर वो क्या करना चाहता है, अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। ऐसे लोग भी होते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे यानी पूरे जैसे मनुष्य का मानवता का एक स्वभाव है कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, किसी व्यक्ति को बहुत कार्य करने की बहुत कष्ट करने की जरूरत होती है, वो ऐसे कार्य करता भी है, उसको उसमें खुशी भी मिलती है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको कष्ट ही नहीं करना पड़ता है, वो 25 साल के हो गए तो भी वो कुछ कार्य ही नहीं करते, अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे से ही रोटी तोड़ते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। यहाँ पे इस निबंध में लेखक ने क्या किया है, व्यक्ति की मनोभावना के ऊपर उन्होंने निबंध लिखा है कि व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी मनोदशा क्या है, किस तरह के व्यक्ति हमको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसलिए प्रत्येक युवक का जो संसार में प्रवेश करके विजय की कामना रखता हो यह कर्तव्य है कि वह शीघ्र ही इस बात का निश्चय कर ले कि वह अपनी सारी शक्तियों को किस काम में लगाएगा। देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ऐसे समय गंवाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए और वो कार्य का जो चुनाव है वो अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए, तभी आपको क्या है सफलता हासिल हो सकती है। बहुत से मनुष्य सुख का अर्थ नहीं समझते, वे कार्य के अभाव अर्थात आलस्य के साथ समय बिताने को सुख का साधन समझते हैं। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं जो समझते हैं कि हमको किसमें सुख है, तो आलसभरी जीवन व्यतीत करने में ही वो लोग क्या समझते हैं सुख समझते हैं, यानी घर में ही रहना, इधर उधर घूमना, टीवी देखना, खाना पीना, उसको ही वो क्या समझते हैं सुख का आधार समझते हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, ऐसा यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। यह बड़ी भारी भूल है, कहा जाता है कि उद्योग रहित और कार्यहीन मनुष्यों का मन शैतान का निवास स्थान होता है। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति कार्यहीन होता है, जिसके पास कुछ उद्योग धंधा नहीं होता, जो कुछ काम का नहीं होता, कुछ कार्य करता ही नहीं है, उसके दिमाग जो है वो शैतान के का दिमाग समझते हैं। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में एक कहावत है कि एम्प्टी माइंडेड डेविल्स वर्कशॉप करके, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कार्य ही मनुष्यों का मन शैतान का निवास स्थान होता है।
ठीक है, भारतवर्ष के एक बड़े अधिकारी को यह आज्ञा मिली कि अब तुम्हारे नौकरी के दिन पूरे हो गए, तुमने ईमानदारी से काम किया, इसके उपलक्ष में तुम्हें पेंशन मिला करेगी। देखिए हमारी सरकार ने एक एज नियोजन किया है, कुछ कार्य करने के लिए जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं तो यहाँ पे क्या पहले तो 60 वर्ष तक हर एक मनुष्य कार्य गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी कर सकता है, उसमें उतनी क्षमता होती है कि वो कार्य कर सके, और उसके बाद वो क्या करता होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। फिर सरकार उनको क्या करती है, अभी आप बहुत ईमानदारी से अपने कार्य किया, आप घर में बैठकर पेंशन ले लीजिए और अपना जीवन बसर कीजिए करके कहते हैं। तो जो व्यक्ति हर रोज कार्य करके सरकारी नौकरी करके वो उसको मन में बहुत आनंद प्राप्त होता है कि अभी अभी वो वक्त आ गया जहाँ पे मैं जहाँ जिस समय में आराम कर सकता हूँ। देखिए आगे क्या है, जब उसे यह आज्ञा मिली तब वो बहुत ही खुश हुआ। देखिए एक व्यक्ति का यहाँ पे उदाहरण देकर उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकर जो होते हैं उनको एक बार रिटायरमेंट मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी हमको क्या है, छुट्टी। अब हर रोज कार्य करने की कुछ जरूरत नहीं है और सरकार जो है वो ईमानदारी का जो है वो पेंशन देता जाएगा। खुशी इस बात की थी कि उसे अब काम नहीं करना पड़ेगा और मजे में दिन काटने का अवसर मिला करेगा। देखिए अभी वो सोचता है कि मुझे अभी कुछ कार्य करने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी मजे में हम क्या कर सकते हैं, छुट्टियां बिता सकते हैं। उसने खुशी के आवेश में अपने एक मित्र को यह पत्र लिख भेजा, अब मैंने दिन भर के झंझटों से छुट्टी पाई। देखिए वो इतना खुश हो गया कि उसने क्या किया, अपने मित्र को ही क्या किया, पत्र लिख डाला कि एक बार मुझे इन झंझटों से छुट्टी मिल गई। दिन रात काम करने से जी उब गया था। देखिए अभी वो व्यक्ति कह रहा है कि वो जो दिन रात काम करता था उससे उसका क्या है, मन उब गया है। अब मुझे 10 गुनी तनख्वाह मिले तो भी मैं काम नहीं करूंगा। देखिए अभी वो इतना उब चुका है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी जो मानसिक मासिक तनख्वाह है उससे 10 गुना अगर दे भी तो भी वो क्या है, कार्य करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो इतना काम करने से उब गया है। देखा कि काम किए बिना आलस्यपूर्ण जीवन पिछड़ा 2-4-8 दिन बीत जाने पर जब वह बैठे बैठे तंग आने लगा और जब उसने देखा कि काम किए बिना आलस्यपूर्ण जीवन बड़ा ही दुखदायी होता है। देखिए पहले तो वो क्या होता है, बहुत उत्साहित होता है कि अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, अभी मैं अपना जीवन जो है वो आराम से व्यतीत कर सकता हूँ, घर में बैठ कर जो चाहे मैं कार्य करकर। लेकिन वो उस उत्सुकता में वो क्या करता है, अपने मित्र को पत्र भी लिखता है कि अब छुट्टी मिल गई रात दिन काम करने से। ऐसे ही 8-10 दिन बीत जाने पर उसको क्या महसूस होने लगता है, आलस्यपूर्ण जीवन मेरा बन गया है, ऐसे उसे महसूस होने लगता है। तब उसने फिर अपने उस मित्र को शोक के साथ लिखा, भाई मैं समझता था कि काम न करने ही में आनंद है, परंतु बात बिल्कुल उल्टी है। अब मुझे साफ साफ मालूम हो रहा है कि मेरा पूर्व जीवन बहुत ही उत्तम और सुखपूर्ण था, जितना ही अधिक काम करना पड़ता था उतना ही अधिक सुख मिलता था। देखिए उसने क्या किया, जब उसको महसूस हुआ कि ये जो आलस्यपूर्ण जीवन है उसमें कुछ रुचि नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं है, तो वो क्या सोचता है, फिर क्या करता है, अपने मित्र को पत्र लिखता है शोक भरा कि पहले की जिंदगी ही बहुत अच्छी है जिसमें दिन रात काम करने से एक सुख प्राप्त होता था, वो जो सुख है वो घर में बैठकर आलस भरा जीवन व्यतीत करने में वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, इससे बेहतर है हम कुछ काम करें। ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं, देखिए यहाँ पे उन्होंने निबंध लिखा है
मैंने जो परिचय में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं वही महत्वपूर्ण है, इसमें और कुछ महत्वपूर्ण है, बस वो लोग यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, एक आपको उदाहरण देकर, ठीक है। तो आगे की क्लास में उसके आगे क्या उन्होंने लिखा है लेखक ने, वो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।